चलिए दोस्तों, आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तो हम बना रहे हैं घी राइस, यानी कि घी राइस पुलाव और चिकन रोस्ट। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी और बहुत ही बढ़िया और टेस्टी घी राइस और चिकन रोस्ट तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है बासमती राइस। मैंने 2 कप बासमती राइस लिया है। इसे अच्छे से धो के हमें इसको भिगो के रखना है कम से कम 20 मिनट के लिए। तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए मीडियम साइज़ के 3 प्याज लिए हैं मैंने, और मैंने उसको स्लाइस के तौर पर इसे काट लिया है। अब पैन में हमने 1 टेबलस्पून घी लिया है। सबसे पहले हम इसमें 8 से 10 काजू फ्राई करेंगे। हल्का सा गोल्डन रंग आने तक इसे फ्राई करेंगे, फिर इसे हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे किशमिश। तो किशमिश भी मैंने 8 से 10 ली है। उन्हें भी अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं और उन्हें भी निकाल के हम अलग बर्तन में ले लेते हैं। अब हमने जो प्याज काट के रखे हैं उसमें आधे प्याज हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हमें गोल्डन ब्राउन कलर देना है। तो एक चीज़ थोड़ा सा पेशेंस का काम है, क्योंकि हमें थोड़ा धीरे और मीडियम आँच पर करना पड़ेगा। तेज़ आँच पर एकदम से जल जाएंगे, तो हमें इसे जलाना नहीं है, हल्का सा गोल्डन रंग लाना है। जैसे हल्का सा गोल्डन रंग आएगा, हम इसमें 1 चुटकी नमक और थोड़ी सी चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने से जो प्याज है उसका जो कुरकुरापन है वो ऐसे ही रहता है। अब ये हमारे प्याज बिल्कुल कुरकुरे तैयार हो चुके हैं, इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम कुकर ले रहे हैं जिसमें हमें राइस बनाना है। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून घी लिया है। आप चाहे तो ओपन पैन में भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें गरम मसाले डाल रही हूँ। तो 3 से 4 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार नीस, जावित्री और तेज़पत्ता डालेंगे और हल्का सा इसे हम घी में फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमारे बचे हुए प्याज थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब प्याज को हमें मीडियम आंच पे हल्के से भूनना है, थोड़ा सा इसका रंग चेंज हो जाए। जब तक जैसे हमारे प्याज जो है हल्के से ट्रांसलूसेंट हो जाए, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही हमारा जो प्याज है उनका रंग थोड़ा सा गोल्डन होने लगेगा, देखिए इसका रंग चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो 1 बड़ा चम्मच मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हम अच्छे से भून लेंगे। जैसे इसमें से कच्चेपन की खुशबू चली जाएगी, तब हम इसमें जो राइस हमने रखे हैं वो डाल देंगे। अब राइस को पहले हमें थोड़ी देर के लिए घी में रोस्ट करना है, थोड़ा फ्राई करना है। तो आप मीडियम आंच पे ही इसे अच्छे से चलाते रहें और उसको घी में थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 मिनट तक ही हम करेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हम ले रहे हैं, हमने 2 कप राइस लिया है, तो 2 कप में हम 3 कप पानी लेंगे, यानी कि 1 कप के लिए 1.5 कप पानी। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। अच्छे से इसे एक बार मिक्स करें और उसके बाद हम कुकर का जो लिड है वो बंद कर देंगे। लो आंच पे हमें 1 विसिल लगानी है। ध्यान रखिएगा, हम 1 ही विसिल लगा रहे हैं और वो भी धीमी आंच पे। तो ये हमारी विसिल लग गई है। गैस को हम ऑफ कर देते हैं। जैसे ही कुकर की गैस निकल जाए, अब इसे ओपन कर दें और देखिए एकदम कैसे खिले खिले हमारे राइस तैयार है। तो अब हमने जो हल्के से ब्राउन करके प्याज रखे थे उन्हें हम इस पर डाल देते हैं, और जो किशमिश हमने फ्राई करके रखी है वो भी डाल देते हैं, और साथ ही साथ काजू भी डाल देते हैं। तो बस ये हमारा जो घी राइस है वो बिल्कुल तैयार है। हल्के से इसको मिक्स करें, ये गर्मा गर्म है, तो गर्म गर्म आप करोगे तो शायद चावल टूट जाए, इसलिए थोड़ा सा इसे ठंडा होने दें। साथ ही साथ 1 चम्मच आप इसमें घी ऐड कर दें और इसको फिर हल्के से मिक्स करें। जब एक बार ठंडा हो जाए तभी आप अच्छे से इसको मिक्स करें। तो दोस्तों, एकदम टेस्टी और बहुत ही खुशबूदार हमारा घी राइस बन के तैयार है। तो चलिए अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, वो है हमारा चिकन रोस्ट। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन। इसको मैरिनेट करना है, तो मैंने इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैं इसमें जीरा पाउडर डाल रही हूँ और 1 चम्मच गरम मसाला। अब मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है। 1 नींबू का रस भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे आप हाथों से अच्छे से मिक्स करें, पूरी तरह से मसाला है जो है वो चिकन में लग जाना चाहिए।
इसे कम से कम हमें आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके साइड में रख देना है ताकि ये जो मसाला है ये पूरी तरह से हमारे चिकन में पकड़ ले। इसको साइड में रख देते हैं। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए हमने पैन ले लिया है। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। सबसे पहले खड़े मसाले, तो मैंने छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और तेज़पत्ता डाला है। उसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। अब चिकन के लिए मैंने मीडियम साइज़ के 3 प्याज लिए हैं, उन्हें मैंने अच्छे से स्लाइस के तौर पर काट दिया है और उसको मिक्स कर दिया इस तरह से। इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर देते हैं ताकि हमारे जो प्याज हैं वो जल्दी से भून जाएंगे। तो मीडियम आँच पर हम इसे चलाते रहेंगे और उसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। 3 से 4 मिनट तक ढकने के बाद आप देख सकते हैं प्याज बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। थोड़ा सा गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। देखिए प्याज गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। उसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, तो 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। मसालों को अच्छे से भून लेते हैं। मैं अब इसमें 1 चम्मच सौंफ का पाउडर भी डाल रही हूँ, इससे इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब मसाले जले ना, इसलिए थोड़ा सा 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर हमारा जो चिकन है, जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, वो हम ऐड कर देंगे। चिकन डालने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ध्यान रखें आप इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। चिकन जो है जैसे जैसे चिकन पकेगा उसमें से ही पानी निकलेगा और ये रोस्ट यानी कि थोड़ा सा ड्राई मसाले की तरह होगा, जैसे अपन कहते हैं ना लपेटू मसाला, उस तरह का। तो आप बीच बीच में इसे ओपन करिए लिड को और उसको अच्छे से मिक्स करिए। उसके साथ ही साथ मैं अभी हैंडफुल इसमें करी लीव्स डाल रही हूँ। फिर इसको हम ढक के पकने देंगे। चिकन को पकने में कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, अच्छे से मिक्स करें। आप देख सकते हैं ग्रेवी हल्की हल्की सी, जो पानी आ रहा है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगेगा। अब हमारा चिकन ऑलमोस्ट पक गया है, तो इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। सोया सॉस ऐड करने से इसका जो रंग और एकदम टेस्ट है बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो आप इसमें हल्का सा सोया सॉस ऐड कर दें। अब हम इसमें फ्राई किए हुए हमारे बचे हुए जो ब्राउन ऑनियन है वो डाल देंगे, साथ ही साथ कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। और इस तरह से हमारा चिकन रोस्ट तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो हमारा घी राइस और चिकन रोस्ट दोनों तैयार है। आप इसे किसी अच्छी पार्टी के दिन बना सकते हैं, किसी फंक्शन में भी आप इसे बना सकते हैं। तो एक बार आप इसे बना के ज़रूर ट्राई करिए, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करना ना भूलिएगा।